अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज आपको देखने को मिलेगी, जो कि अक्सर आपको थार में देखने को नहीं मिलती। और एक चीज है इस गाड़ी में जो कि बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी बाहर से मॉडिफाइड है एकदम जबरदस्त, तो अंदर से भी इसकी मॉडिफिकेशन काफी ज्यादा जबरदस्त हुई है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया से होंगे। तो भाई वीडियो का आपने टाइटल और थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, आज आपको एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी मॉडिफाइड थार दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब वो थार हमारे सामने खड़ी है, तो ये चेक करो भाई, एकदम मॉन्स्टर की तरह दिखने वाली थार। और जो इसका कलर है ना वो भी काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इस कलर की जो थार है वो अब मार्केट में नहीं आती। तो ये कलर और रॉकी बेज कलर तो अब मार्केट में आता नहीं है, तो भाई जिन जिन लोगों के पास ये कलर्स हैं तो अब ये एकदम लिमिटेड एडिशन वाले पीसेस बन गए हैं। तो भाई थार तो आपने बहुत देख रखी होंगी, लेकिन ये वाली जो थार है ना ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको दिख रहा है इसके रूफ में सनरूफ भी लगा हुआ है। तो भाई सनरूफ तो आपको दिखा दिया, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि इस गाड़ी में कौन कौन सी तगड़ी मॉडिफिकेशन जो है वो कर रखी हैं। तो भाई फ्रंट से देखो, फ्रंट में जो ग्रिल है वो इसकी 7 स्लॉट वाली ग्रिल लगाई हुई है। देन यहाँ पे आपको ये लाइट्स दिख रही हैं छोटी सी, काफी अच्छी लगती हैं ये भी। और जो इस पे है ना, इस पे ये लाइनेक्स की कोटिंग कर रखी है, आपको दिख रही होगी। अभी हम ऑफ रोड करके आए हैं तो थोड़ी गंदी हो रखी है, नहीं तो बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन जो है इसको मिलती है। फ्रंट में जो बम्पर है वो भी एकदम ऑफ रोड रेडी वाला बम्पर लगा दिया हुआ है। विंच लगानी हो या फिर यहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह लगानी हो तो आराम से आप लगा सकते हो। तो ओवरलैंड का बम्पर लगा हुआ है। हेडलाइट्स जो है, हेडलाइट्स भी इसकी चेंज है, तो ये भी काफी प्रीमियम लुकिंग हेडलाइट्स जो है वो इसमें लगी हुई है। देन आपके DRLs आ गए, तो साइड में जो आपके रिफ्लेक्टर्स इंडिकेटर्स आते हैं उसमें आपके DRLs लगे हुए हैं, तो ये भी काफी ज्यादा सही। नीचे भी HID सेटअप आपको देखने को मिल रहा है फॉग लैंप्स की जगह पे। नॉर्मली जो थार आती है उसमें लाइट्स वगैरह बड़ी बेकार सी आती हैं, आपको चेंज करवानी पड़ती है अगर आपने हाईवे पे चलना है रात को, क्योंकि उसकी लाइट्स का जो थ्रो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो अभी बात कर रहे थे इसकी फ्रंट की लुक की, तो ये चेक करो भाई ऊपर से भी कितनी ज्यादा सही लग रही है। यहाँ पे लगा हुआ है जी स्नॉकल, तो ये है जी डमी स्नॉकल, इसके ऊपर भी आपको लाइनेक्स की कोटिंग देखने को मिल रही है। देन ऊपर आपकी लगी है जी बार लाइट्स, तो ये भी काफी सही है, कभी आप ऑफ रोड करने के लिए जाओ रात को ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। देन साइड से अगर बात करूं टायर की जो प्रोफाइल है वो एकदम जबरदस्त है, तो यहाँ पे लगे हैं जी MT टायर्स आपके ऑफ रोड करने के लिए, मड टेरेन टायर्स रिवो रॉक ट्रैक के 31 इंच के टायर्स है, तो ये ब्रॉड काफी ज्यादा होते हैं और मड टेरेन टायर्स का आपको पता है प्रोफाइलिंग काफी ज्यादा सही रहती है। और जो लुक है इस पे देखो, ये चीता बना हुआ साइड पे ना, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इस गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट एक और चीज कर रही है, वो है जी इसके ऑफ रोड रिम्स। यूजुअली लोग अलॉय व्हील्स चेंज करवाते हैं, लेकिन ये आप चेक करो कि जो ऑफ रोड रिम्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और एकदम यूनिक लुक जो है वो इस गाड़ी को मिल चुकी है। बोनेट के ऊपर यहाँ पे सैटेलाइट सिस्टम भी लगा हुआ है, जो आपने एंटीना वगैरह देखा देख रखा होगा गाड़ियों में लगता है, तो ये प्रेसिडेंट का सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। कभी आप ऑफ रोड करने जा रहे हैं या फिर आप लॉन्ग ट्रिप पे गए हुए हैं तो आपके जो ग्रुप मेंबर्स के पास जो गाड़ियां उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो बड़े आराम से। बस जो इसका एंटीना वो अभी उतारा हुआ है, जब ये मेरे ख्याल से लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो उसी टाइम इसको लगाएंगे। पीछे से भी गाड़ी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, पीछे यहाँ पे टायर इनका दूसरा लगा हुआ है रडार का रेनेगेड, लेकिन ये भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है पीछे। देन जो टेल लाइट्स है इसकी X डिजाइन वाली स्पाइडर वाली वो लगी हुई है यहाँ पे, आजकल एकदम ट्रेंड में चल रही है ये वाली लाइट्स। देन जो पिछला वाला बंपर है इसका वो भी एकदम चेंज है, यहाँ पे भी आपको लाइनेक्स की कोटिंग देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रही है गाड़ी इस वजह से। और एक चीज है इस गाड़ी में जो कि बहुत ही ज्यादा खास है, ये देखो भाई, मैंने आज से पहले इससे पहले किसी भी थार के अंदर ये चीज नहीं देखी कि वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगाओ, तो इसमें अंदर लगा हुआ है जी वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट। तो अभी इसको चला के भी दिखाते हैं आपको, बताते हैं कि इस थार की जो आवाज है वो कितनी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है अभी। तो भाई ये तो बात थी जी गाड़ी के एक्सटीरियर की, तो अभी बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की, क्योंकि जिस तरीके से ये गाड़ी बाहर से मॉडिफाइड है एकदम जबरदस्त, तो अंदर से भी इसकी मॉडिफिकेशन काफी ज्यादा जबरदस्त हुई है। ये चेक करो इसके इंटीरियर हैं वो काफी ज्यादा प्रीमियम है, कलर थीम दी हुई है ना गाड़ी को वो काफी ज्यादा सही है। बीज इंटीरियर्स और आपको बाकी जगह जो लेदर पैनल आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको टैन कलर में देखने को मिल रहे हैं, तो डोर्स पे भी आपको यहाँ पे लेदर और टैन पैनलिंग जो है वो देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, चेक करो आप। और यहाँ पे जो है ये पेंट हो रखा है
सेम आपका बीच कलर में। जो इसका डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील है वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये चेक करो यहाँ पे भी कलर स्कीम जो है वो एकदम चेंज कर दी है। ऐसे तो गाड़ी में पूरा इंटीरियर ऑल ब्लैक आता है, स्टीयरिंग व्हील भी ब्लैक कलर का ही आता है, यहाँ पे आपको बेज कलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको टैन एक्सेंट वुडन एक्सेंट जो है वो लगा दिए गए हैं। जो सबसे पहले लोग करवाते हैं थार लेके वो जी मग स्टाइल के आपके एसी वेंट्स वो यहाँ पे आ गए, देन आपके टैन कलर के जो वुडन डिजाइन आता है ना वो देखो वो चीज यहाँ पे करवा रखी है, काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है ये चीज। और यहाँ पे भी जो आपका एलईडी पैनल आता है उसके ऊपर भी यही सेम चीज करवा दी है, ग्रैब हैंडल जो आता है यहाँ पे आपका उसके ऊपर भी सेम टैन, आपको टैन वुड फिनिश जो है वो आ गई हुई है यहाँ पे। देन उतरने और चढ़ने के लिए यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल रहे हैं मास 4x4 के, काफी ज्यादा बढ़िया। अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज आपको देखने को मिलेगी, जो कि अक्सर आपको थार में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि थार आती है दो वेरिएंट्स में, या तो आती है वो आपकी हार्ड टॉप या फिर सॉफ्ट टॉप। बट ये देखो जी यहाँ पे इन भाई साहब ने ये निकाल लिया है जी सनरूफ, तो काफी इजिली ये ओपन हो जाता है। इसको अभी आपको ओपन करके भी दिखाते हैं, हमारे हरमन भाई जरा सनरूफ खोल के दिखा रहे हैं, ये चेक करो बड़ा इजिली इसको ऑपरेट कर सकते हो आप, कोई ज्यादा कोई आपको कोई चीजें ज्यादा खोलनी नहीं है, चार साइड से लॉक से लगे होते हैं, बस उसको उठाना है और ये पीछे रख देना, बड़ा इजी ऑपरेशन है इस चीज का। तो भाई साहब अभी तो आ चुके हैं जी सनरूफ से बाहर और व्यू चेक करो, गाड़ी के सनरूफ से व्यू काफी ज्यादा बढ़िया आ रहा है और काफी प्रैक्टिकल लगी मुझे ये चीज कि आप इसको खोल के निकल सकते हो, अगर आपके घर में बच्चे हैं दो बच्चे आराम से यहाँ से व्यू देख सकते हैं और सनरूफ के जो मजे हैं वो ले सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ना चार हिंजेस हैं, दो इस साइड पे और दो इस साइड पे, तो इजीली ऑपरेट हो जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको सनरूफ उठा के गाड़ी के अंदर रखना है, कोई वैसा वाला सिस्टम नहीं है। तो काफी बढ़िया प्रीमियम भी है चीज और प्रैक्टिकल भी है साथ ही साथ। पीछे के भी इंटीरियर्स काफी ज्यादा प्रीमियम बेज कलर के यहाँ पे कर दिए हैं, साइड पे आ गई जी आर्मरेस्ट और उस साइड भी आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल रही है। और एक और चीज पीछे के साइड पे भी ना ये आप देखो डार्क ब्राउन कलर के कॉफी कलर के इंटीरियर जो है वो पिछली साइड पे भी कर दिए हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लुक दे रहे हैं इस गाड़ी को। तो एक और खास बात, जैसे कि फ्रंट में आपको सनरूफ देखने को मिल रहे हैं, तो पीछे की साइड पे भी आपको रूफ वाली साइड पे जो ग्लास पैनल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये ग्लास पैनल जो है ये खुलते नहीं है, लेकिन देखो कितने ज्यादा प्रीमियम लग रहे हैं, आपको एयरी फील करवाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि थार में पीछे बैठ के बहुत ही ज्यादा क्लस्ट्रोफोबिक फील होता है, लेकिन यहाँ पे रूफ है इतना अच्छा है ग्लास वाला कि आपको बहुत ही ज्यादा एयरी फील होगा इसको देख के ना। तो भाई इस थार की क्रेजी मॉडिफिकेशंस तो आपको दिखा दी, लेकिन अभी आपको इस गाड़ी के ओनर से मिलवाते हैं हमारे दमित भाई। दमित भाई क्या हाल चाल है जी? एकदम फर्स्ट क्लास। और साथ ही साथ हमारे हरमन भाई भी आए हैं, कैसे हो जी? तो दमित भाई एक चीज बताओ भाई, गाड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है, बड़ी यूनिक चीजें आपने करवा रखी हैं, इसमें सनरूफ लगवा दिया है, इसमें आपने अलॉय व्हील्स की जगह ऑफ रोड रिम्स इसमें लगा रखे हैं, अब मेन बात बताओ कि खर्चा जो है वो कितना आ गया? पता नहीं भी है। आपको यूनिक यूनिक चीजें दिखा दी जो इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन हो रखी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन वीडियो छोड़ के अभी कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी हम इस गाड़ी के साथ ऑफ रोड भी करने वाले हैं। तो चलो फिर दिखाते हैं आपको आगे के सीन्स। तो भाई साहब अभी तो जा रहे हैं जी ऑफ रोड ट्रैक पे। दमित भाई क्या हाल है? तो भाई दमित भाई का जो न्यू ऑफ रोडिंग चैनल जो है ना, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, ऑफ रोडिंग डेविल्स। तो भाई ऑफ रोडिंग डेविल्स को जाके सब्सक्राइब करो, मैं लिंक भी डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे भी, तो जाके सबने सब्सक्राइब मारना है और प्यार दिखाना है। तो भाई साहब अभी हमें एक छोटा सा ऑब्स्टिकल दिख गया जी, बीरपुर वाले ट्रैक में आए हैं, तो यहाँ से आ रहे हैं जी हमारे दमित भाई। इस गाड़ी ने तो बड़े आराम से ऑब्स्टेकल जो है वो पार कर लिया है, तो अभी रिवर्स करके यहां से चढ़ाने वाले हैं ऊपर। सीधा कर लो, थोड़ा सीधा कर लो, सीधा सीधा सीधा। ओ भाई बड़े आराम से निकल गए। तो भाई साहब अभी हमें एक और ट्रैक मिल गया, ऑब्स्टेकल हमें मिल चुका है एक और, यहाँ पे हमारे हरमन भाई। हरमन भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस जी ठीक ठाक। तो भाई ये एंगल चेक करो, गाड़ी की जो आवाज है ना वो बड़ी जबरदस्त है यार, वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट के साथ अल्टीमेट।
तो भाई साहब ये खड़ी हुई है जी हमारी फुली मॉडिफाइड थार और यहाँ पे हम ऊपर तक चढ़ाने वाले हैं इसको, तो आने दो, थोड़ा से बैठ जाओ नीचे। ओह बड़े आराम से बिना थोड़ा सा गड्ढा हो रखा है, उसके ऊपर टायर नहीं आ पाया, तो अभी एक अटेम्प्ट जो है और मारने लगे। ओ सही है इतने डोनट्स मारे आपने, बंदा भगा दिया, वो देखो कहाँ गया बंदा धूल से बचने के लिए। स्किन खराब नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलता है। आराम से प्यार से, ये पहले का हुआ ना ये? नहीं पहले का हुआ वो है? नहीं यार, और नहीं यार ये पहले का बजा हुआ इधर बंपर, किधर से ये बंपर पहले का पहले का बजा हुआ है। मैं उधर थोड़ा सा ऐसे टच हुआ है वो, तो नहीं ये कैसे हो सकता है, नहीं पुराना भाई, ये थोड़ी अभी होगा। जैसे जाएगा नवाजा, तू आ जा मेरी।